मेरा नाम है शिव और आप सभी ने सोच गया है वॉन्ट टू नो चैनल। तो दोस्तों क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने सोच रखा है अगले दिन का प्लान एकदम बढ़िया सा कि मुझे ना सुबह सुबह उठना है, फिर उसके बाद मुझे जॉगिंग के लिए जाना है, फिर उसके बाद मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है, फिर मुझे घूमने फिरने जाना है, फिर मुझे उसके बाद ये चीज़ें करनी है, फिर उसके बाद तो आराम से सो जाना है। और जब आप देखते हो रात को समय तो यार वो चीज़ों में से कुछ चीज़ें तो हुई नहीं हमसे, और फिर अगले दिन बनाते हो नया प्लान और वो भी अनसक्सेसफुल हो जाता है। धीरे धीरे करके आपका मोटिवेशन होता है ना जो चीज़ों को करने के लिए, वो सब टूटता जाता है और आपको अंदर से फील होता है एकदम अजीब सा, राइट, अंदर से गंदा गंदा फील होता है ना, होता है कि नहीं होता? क्योंकि मुझे तो होता था यार, जब मैं सारे प्लान्स बनाता था और मेरे से नहीं होते थे ये सब चीज़ें तो मुझे गंदा सा फील लगता था। लेकिन अब मुझसे सही से हो जाती हैं ये सब चीज़ें, और वो कैसे होती हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वहीं गाइस हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जो हम लोग बात कर रहे थे ना, वो हम बात कर रहे थे यार उन चीज़ों के बारे में, जैसे कि हमने कोई प्लान बनाया कल के लिए और उसको हम करना चाहते हैं लेकिन हमसे नहीं हो पाता है कभी कभार, और हम उन चीज़ों को धीरे धीरे करके छोड़ते जाते हैं और धीरे धीरे हम लोग उसके प्रति डीमोटिवेट हो जाते हैं। और हम लोग जब नहीं कर पाते ना, अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अंदर से यार बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है कि यार मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा, सब लोग तो अपनी भी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा यार, तो ऐसा कुछ फील होता है। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स, यानी कि दो टिप्स बताऊंगा आपको मैं जो आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगी आपको अपने टाइम टेबल को मैनेज करके चलने में, ठीक है। तो मेरा नंबर टिप वन ये है कि यार आप जो भी करना चाहते हो, जो भी चीज़ें, जैसे कि छोटी मोटी जो भी आपको उठना, सुबह इतने बजे उठना है, फिर उसके बाद बुक पढ़नी है, फिर उसके बाद जॉगिंग के लिए जाना है, फिर उसके बाद वॉकिंग के लिए जाना है, फिर जो भी आपका एक्सरसाइज है, जो भी काम है, जो भी करना है आपको, वो सब ना यार एक डायरी लो, उसके अंदर लिखते जाओ और उसके अंदर एक छोटी छोटी चीज़ें मेंशन करो, जैसे आपको ब्रश करना है, फिर उसके बाद आपको वॉशरूम जाना है, उसके बाद जो भी चीज़ करनी है वो जैसे जैसे करते जाओ उस पर टिक करते जाओ, करते जाओ करते जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा, और जैसे जैसे आपको मोटिवेशन मिलेगा आप वो चीज़ें करते जाओगे और वो करते जाओगे तो आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। अगर करके देखो अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ ना कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है, हर कोई नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मेरा दूसरी टिप आप सभी के लिए ये है, तो आप लोग ये कर सकते हो कि यार आप जानते हो अपने आप को पहले, सबसे पहले चीज़ कि आप कितने एक्टिव हो, कितने ज़्यादा आप अपने आप में काबिल हो, तो यार उसी हिसाब से अपना प्लान बनाओ। आप हमेशा प्लान बनाते हो ना, उसमें आपका माइंडसेट क्या रहता है कि यार वो दूसरा सामने वाला है ना, वो तो मुझसे पहले 6:30 बजे उठ जाता है तो मुझे भी 6:30 बजे उठना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं 6:30 बजे उठ सकूँ, मेरी आदत है कि मैं 7 बजे तक उठ जाऊँगा। तो यार आप अपना टाइम टेबल ना 6:30 से लेकर 8 बजे तक के बीच का बनाओ, तो आपको क्या होगा कि आप 7:30 तो नहीं आप 7 बजे उठ गए तो आपको ये लगेगा हाँ यार मैं इतना तो कर सकता हूँ, मैंने खुद से वादा करा था और मैंने ये कंप्लीट कर लिया टास्क। फिर उसके बाद दूसरा प्लान बनाया, उसके अंदर भी प्लान बना के उसके ऊपर भी चलो, ऐसे अपने हिसाब से करो कि आपको जो काबिल लगता है ना आपके, वही चीज़ें आप रखो। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेशन करके मतलब मत चलो, आप दूसरों को देख के मत बनाओ प्लान कि आपका क्या है क्या नहीं है, वो सब प्लान आपके अपने हिसाब से बनाओ तो वो बेटर चीज़ है, ठीक है। और ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखो, उतनी रखो जितनी आप कर सकते हो, ठीक है। और यही चीज़ आपको मैं बताना चाहता था, यही आपको शायद तक हेल्प करे आपके आगे आने वाले फ्यूचर में, तो एक बार ट्राई करके देखो अच्छा लगेगा। और अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वहीं गाइस मेरे चैनल पे नए हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर उसके बाद उस बेल आइकन की घंटी को दबा लो ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसे मिस ना कर दे। वहीं मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय।